मध्य प्रदेश के खंडवा के इंदिरा चौक पर जो कोतवाली थाने के अंतर्गत आता है, आज एक बोलेरो गाड़ी कहीं से चलकर आई और कुछ देर बाद अचानक उसमें इंजन में आग लग गई। आसपास खड़े लोगों ने तत्काल आग बुझाने के लिए पास में जो भी मौजूद संसाधन थे उससे आग बुझाने का काम शुरू किया। आपको बता दें, इस दौरान हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ता उधर खड़े हुए थे। उन्होंने तत्काल आसपास जो दुकानें थी वहां से पानी लाकर बोलेरो में जिस जगह से आग की लपटें उठ रही थी वहां पर पानी डाला और आग को बुझा लिया गया। इंजन खोलकर जब देखा गया तो वह पूरा इंजन, खंडवा की देसी भाषा में कहें तो, भंगार हो चला था। लगभग पूरा इंजन जलकर खाक हो गया था। जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, मालिक हैं, उनका कहना था कि लंबी दूरी से वह गाड़ी लेकर आए थे और गाड़ी गर्म थी। उन्होंने गाड़ी को इंदिरा चौक पर खड़ा किया और संभवतः इसी के चलते गाड़ी में आग लगी होगी, ऐसी संभावना उन्होंने जताई। लेकिन इंदिरा चौक पर अचानक लगी इस आग से सनसनी का माहौल जरूर निर्मित हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंच गई, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी में भी कोई मौजूद नहीं था जिस समय आग लगी, उस समय गाड़ी से सभी उतर चुके थे और अचानक लगी इस आग की चर्चा इंदिरा चौक सहित आसपास के क्षेत्र में तेजी से फैली। आग देखने के चलते लोगों की भीड़ भी लग गई और आग बुझने के बाद भी काफी लोगों की भीड़ मौके पर देखी गई। केविन बोल उसका जयंतिया का वीडियो बना। केविन बोल उसका पीछे डलता क्या, आगे डलता है डीजल कहीं पे चलता हो भाई, वो बैटरी का फॉल्ट है, बैटरी लगी हुआ जयंतिया वीडियो बना। बढ़ते पेट्रोल के झंझट से मुक्ति पाने के लिए आज ही खरीदें कोमाकी की इलेक्ट्रिक बाइक, सैफी कॉलोनी के बगल में हिंदुस्तान अभिकरण के सामने। नई स्कूटी के अलावा सर्विस भी की जाती है। एक बार संपर्क करें अथवा जरूर विजिट करें।